स्टूडेंट्स, अब ये जो टॉपिक है हमारा, हाउ डू वी पीरियडाइज, हम पढ़ने वाले हैं। अभी ऑनलाइन में जो नेटवर्क का इशू था उसके कारण ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। इस हाउ डू वी पीरियडाइज टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जेम्स मिल के बारे में, और उसके अलावा हम देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री जो है, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री है इंडिया का, उसको कैसे इन्होंने जो है डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, और कैसे इन्होंने बुक लिखी। इसके अलावा हम देखेंगे कि जेम्स मिल जो राइटर थे, ऑथर थे, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री है, जो नेम उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में दिए हैं, वो गलत क्यों है, रॉन्ग क्यों है। और फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में जो हम इंडिया का जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं, और हर एक पार्ट का नाम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, हाउ डू वी पीरियडाइज, इसको हिंदी में आप देखोगे तो उसको लिखा होगा हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अवधियां का मतलब होता है डेट्स या पीरियड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप साइंस पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं तो आप देखोगे पूरी बुक का एक पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे हमारी बुक की जो हिस्ट्री की बुक का नाम है अवर पास्ट 1 या अवर पास्ट 2 है, तो उसमें आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 मिल जाएगा। यानी कि हर एक चैप्टर को हमने अलग अलग नेम दे रखे हैं, क्यों, ताकि हम अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाएं। इसी तरह से जो हिस्ट्री होती है उसको भी बहुत लॉन्ग, थाउजेंड ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है, फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू द प्रेजेंट टाइम। तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं क्लासीफाई करना पड़ता है, टुकड़ों में बांटना पड़ता है, वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है, नेम देने पड़ते हैं कैटेगरी को। आप इसको ये भी समझ सकते हो कि हम उसको ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, यानी 1, 2, 3 कैटेगरी, उसके बाद हर कैटेगरी के हम सब कैटेगरी यानी कि चैप्टर्स बनाते हैं। तो आइए इसी पे डिस्कस करते हैं। जो 1817 है बच्चों, 1817 यानी कि 1817 मतलब लगभग आज से लगभग 200 साल पहले, बिफोर 200 ईयर्स, 200 साल पहले 1817 में इंडिया में रूल चल रहा था ब्रिटिश का, यानी अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। तब जो है जेम्स मिल एक राइटर भी थे, ऑथर भी थे, मतलब राइटर ऑथर दोनों एक ही है, एक ऑथर थे, लेखक थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री थे, जो इकोनॉमी का, रुपए का, पैसे का, इसका हिसाब रखते हैं। एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर मतलब यानी कि एक राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, फिलोसोफर मतलब दार्शनिक। दार्शनिक वो लोग होते हैं जो अपनी थ्योरीज देते हैं, सिद्धांत देते हैं, सोसाइटी के बारे में अपने व्यूज रखते हैं। तो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ऑथर थे। इन्होंने एक बुक जो है लिखी थी जिस बुक का नाम था यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास बुक इन्होंने लिखी थी 3 वॉल्यूम्स में। 3 वॉल्यूम्स का मतलब 3 भागों में। तो जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने 3 वॉल्यूम्स में, 3 भागों में एक बुक लिखी थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत का, ब्रिटिश भारत का इतिहास। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, इन दिस बुक, इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया, ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स। उन्होंने भारत के इतिहास को किसने, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में, 3 पार्ट्स में, या 3 पीरियड्स में बांटा। 3 पीरियड मतलब हर एक पीरियड जो है लॉन्गर पीरियड है, उसमें मतलब बहुत सारी लंबा एक टाइम पीरियड आता है, तो 3 पीरियड में बांटा। इन 3 पीरियड के अलग अलग नाम दे रखे हैं। पहला पीरियड जो जेम्स मिल ने नाम दिया हुआ है इंडियन हिस्ट्री के पीरियड को, उसे कहते हैं हिंदू पीरियड। दूसरे पीरियड को कहते हैं मुस्लिम रूलिंग पीरियड, मुस्लिम पीरियड कहते हैं। थर्ड पीरियड को कहते हैं ब्रिटिश पीरियड। यानी कि इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू द 3 पार्ट्स बाय द जेम्स मिल। यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जेम्स मिल, और जेम्स मिल ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये एक बुक है, और इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इंडियन हिस्ट्री को, और हर एक पार्ट को इन्होंने नाम दिया। पहले पार्ट को इन्होंने नाम दिया हिंदू, दूसरे पार्ट को इन्होंने नाम दिया मुस्लिम, और थर्ड पार्ट को, जो कि यहाँ पर जगह कम है इसलिए आपको मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, इस नाम को इन्होंने दिया था ब्रिटिश। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। अब इसमें जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा, अब इसमें हम देखेंगे ढंग से कि जेम्स मिल का जो क्लासिफिकेशन है इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं सीधे इस बुक के अदर पॉइंट्स को छोड़ते हुए देखूंगा कि भाई काफ़ी लोगों ने तो इनके इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ हिंदू पीरियड चलता था एंशियंट टाइम में, मुस्लिम पीरियड चलता था मिडाइवल टाइम में, ब्रिटिश पीरियड चल ही रहा है, ये इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हिंदू पीरियड का मुस्लिम, जैसे हिंदू मतलब अशोका का पीरियड, किंग हर्षवर्धना का पीरियड, ये हिंदू पीरियड बोल दिया इन्होंने। मुस्लिम पीरियड का मतलब जब अपने अकबर, औरंगजेब, या इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मीनार वाला, जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला पीरियड है, मुस्लिम पीरियड है। तो इसमें इनका कहना क्या था, कहना क्या चाह रहे थे जेम्स मिल इस पीरियडाइजेशन के थ्रू, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री को तो डिवाइड कर दिया वेरियस पीरियड्स में, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीरियडाइज किया कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द रिलीजन। इनका पीरियडाइजेशन किस तरह का था, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द रिलीजन था। रिलीजन मतलब धर्म पर आधारित विभाजन था, मतलब इनका क्या कहना था। अब जेम्स मिल का क्या था, जेम्स मिल की थॉट
के बेस्ड ये डिवाइडेशन था। देखो जेम्स मिल ने सोचा कि जो एशिया की जितनी भी सोसाइटीज़ है, एशिया मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें जापान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह भी आता है, तो एशिया की जितनी भी सोसाइटीज़ है, जो समाज है यहाँ का, ये लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है, यानी कि असभ्य लोग रहते हैं एशिया के अंदर। एंड देन असभ्य मतलब जो जंगली टाइप के लोग होते हैं, जिनका लिटरेचर में भी कोई अचीवमेंट नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, जो सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। तो देन यूरोप यानी यूरोप की तुलना में हम पिछड़े हुए हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, अब जेम्स मिल की हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, जब अंग्रेज भारत में आए, ये बहुत बुरी स्थिति भारत की थी। और उस समय क्या था, जो हिंदू पीरियडाइजेशन में हिंदू जब रूल कर रहे थे, उनका मानना था जब हिंदू रूल कर रहे थे या जब मुस्लिम रूल कर रहे थे, वो लोग क्या थे, तानाशाह थे। तानाशाह मतलब डिक्टेटर, यानी हिंदू भी डिक्टेटर थे, मुस्लिम भी डिक्टेटर थे, और वही रूल करते थे कंट्री में। और कंप्लीटली वो रिलीजियस इंटॉलरेंस था उस जमाने में। रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब होता है धार्मिक मतभेद, धार्मिक झगड़े। यानी कि उनका मानना है कि जब मुस्लिम रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो हिंदू के साथ उनका झगड़ा होता रहता था जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, और जब हिंदू रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे जितने भी अदर फेथ्स थे, अदर फेथ्स का मतलब कोई और था, तो झगड़े होते रहते, रूलर्स डिक्टेटर होते थे, ठीक है। तो इस तरह से जेम्स मिल का जो ये जो प्रॉब्लम है, ये इनकी इनकी थिंकिंग पे बेस्ड इन्होंने हिस्ट्री का डेफिनेशन बनाया। कास्ट टैबूज है, जाति के भेदभाव भारत में चलते थे, इनका ये मानना था। भारत में अंधविश्वास थे, ये जेम्स मिल का मानना था। इसमें से कुछ कुछ सच्चाई भी है, लेकिन डिवाइड जो कम्प्लीटली हिस्ट्री के पे इन्होंने कर रखा है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, इसको गलत माना जाता है। आगे देखते हैं इस टॉपिक में, आपके लिए अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर जो बात हम इससे क्लियर कर पाएंगे वो आप देखोगे स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ब्रिटिश जो रूल है उन्होंने माना, जेम्स मिल ने कहा कि जो ब्रिटिश रूल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भारत के लोगों को सभ्य बना रहे हैं, वी आर सिविलाइजिंग द इंडियंस, है ना। और इसके अलावा जो भारत के लोगों को हम यूरोपियन मैनर सिखाएंगे, यूरोप का शिष्टाचार, आर्ट्स यानी कि कला सिखाएंगे, पेंटिंग वगैरह, इंस्टीट्यूशंस यूरोप के, साइंस मैथ्स वगैरह पढ़ाया जाएगा, लॉ पढ़ाया जाएगा यूरोप का इंडिया के अंदर। तो जेम्स मिल का मानना था कि जो ब्रिटेन है उसको तो पूरा इंडिया जीत लेना चाहिए, और ताकि भारत के अंदर इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर लोग जो है जागरूक हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, जाग जाएं, नींद से जाग जाएं, ताकि इनके अंदर खुशी आए भारत के लोगों के अंदर। और इनका ये भी मानना था कि अगर ब्रिटेन जो है भारत की हेल्प नहीं करता है, तो भारत के लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रगति कर पाए। तो कुल मिला के जेम्स मिल जो है वन साइड हुए, यानी कि प्रेजुडाइज थे, यानी कि इनकी सोच बहुत लिमिटेड थी और भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। इसलिए इन्होंने ब्रिटेन जो इन्होंने जो बुक लिखी है अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें जो इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में करा हुआ इन्होंने, वो कम्प्लीटली गलत माना जाता है, क्योंकि उसमें रिलीजन को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगला लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अलावा यहाँ पर, कि भारत में जब ब्रिटिश आए उससे पहले इंडिया के अंदर एक डार्कनेस थी, इनका ये मानना है, और जब इंडिया में जो ब्रिटिश आ गए तो इंडिया के अंदर लाइट आ गई या इनलाइटमेंट होने लग गया, लोग पढ़ने लिखने लग गए, ये जेम्स मिल का मानना था। तो इट मीन्स जो है जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जो इंडिया का हिस्ट्री हिंदू और मुस्लिम में जो बांटा गया है, ये बहुत गलत है, हमारे अकॉर्डिंग ये गलत माना जाता है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज जिस सेम टाइम पे वो बता रहे हैं कि हिंदू रूल कर रहे थे यहाँ पर, जो कि डिक्टेटर जिनको वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं था। बिकॉज इंडिया के अंदर सेम टाइम पे सिर्फ हिंदू ही रूल नहीं कर रहे थे या हिंदू ही नहीं रहते थे, भारत के अंदर इसके अलावा बुद्धिस्ट लोग भी रहा करते थे, जैन लोग भी रहा करते थे, इसके अलावा इंडिया के अंदर ज्यूस लोग भी रहते हैं, इसके अलावा पारसी, पारसी को बोला जाता है जिसको आप जोरोस्ट्रियन बोलते हैं, वो लोग भी रहते हैं। तो एंशियंट टाइम में इंडिया के अंदर कुछ एक ही रिलीजन नहीं था, बुद्धिस्ट जैनिस्ट लोग भी यहाँ पर थे। तो सिर्फ हिंदू रूल कहना ही एक तरह से गलत है। दूसरी बात, अगर उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो है बीच के पीरियड में रूल कर रहे थे, तो जब मुस्लिम रूल कर रहे थे पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम ही रूल नहीं करते थे। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब अकबर जो रूल कर रहे थे दिल्ली में, तो उसी टाइम पे सेम पीरियड पे महाराणा प्रताप जो है इंडिया के जो हिंदू रूलर थे मेवाड़ पर रूल कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे राजपूत रूलर जो है रूल करते थे इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हिंदू रूलर रूल करते रहते थे। तो कम्प्लीटली किसी पीरियड को रिलीजन के बेस्ड पे कैटेगराइज या पीरियडाइज कर देना गलत होता है, जो जेम्स मिल ने किया, जिसमें उन्होंने एक पीरियड को हिंदू और एक पीरियड को मुस्लिम कहा, जो कि गलत है। इस तरह से वो रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी कि धर्म के आधार पर झगड़ा करने वाली बात कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मॉडर्न टाइम पे क्लासिफिकेशन क्या है, कि ये तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था, ये तो जेम्स मिल का क्लासिफिकेशन था, आज जो हिस्ट्री को है कितने भागों में बांटकर हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो आज भी हम इंडियन हिस्ट्री को बच्चों फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें से हम, मैं आपको अलग से यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो इंडियन हिस्ट्री, इन द प्रेजेंट टाइम वी स्टडी द इंडियन हिस्ट्री
एंड वी डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इंटू थ्री पीरियड्स इन प्रेजेंट टाइम बट द नेम्स आर सो डिफरेंट। अभी जो है भारत का इतिहास तीन भागों में पढ़ाया जाता है बांट करके, हर भाग का एक नाम है, बट जेम्स मिल के जो डिवाइड जो पीरियडाइजेशन है उससे अलग है। तो पहला भाग जो इंडियन हिस्ट्री का आज जो पढ़ाया जाता है एंशियंट बोला जाता है, सेकेंड भाग को या सेकेंड पार्ट को मिडाइवल कहा जाता है, थर्ड पार्ट को कहा जाता है आपका मॉडर्न। थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं? मॉडर्न कहते हैं। यहाँ पर एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न लिखा होगा। एंशियंट को हिंदी में कहा जाता है प्राचीन, मिडाइवल को कहा जाता है मध्य कालीन, और जो आपका आधुनिक मॉडर्न जो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ कर रखा है इसको कहा जाता है आधुनिक। यानी आज जो भारत का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप सिक्स क्लास में थे, आप जब आप सिक्स क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, जब स्टूडेंट्स आप लोग सिक्स क्लास में पढ़ रहे थे, तो जब आपने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा हंटर गैदरर्स की स्टोरी को, तो आपने उस समय एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ा था सिक्स क्लास में। जब आप सेवन्थ क्लास में आए तो आपने पढ़ा था मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री को, और अभी जो आपको ब्रिटिश पीरियड का जो हिस्ट्री अभी जो मोस्टली हम पढ़ा रहे हैं काफ़ी कुछ, वो है आपका एट्थ क्लास का जो कंटेंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से बुक पे आ रहे हैं दोबारा से। हमने इस टॉपिक से क्या जाना है? इस टॉपिक से हमने ये जाना है कि जेम्स मिल कौन थे। कुछ टॉपिक्स फिर से आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर से क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, हु वाज जेम्स मिल, नेम द बुक, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक ऑफ जेम्स मिल, उसकी बुक का नाम क्या है। दूसरा, क्लासिफिकेशन, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है उसको कितनी कैटेगरी में उन्होंने बांटा है ये, और हर कैटेगरी का नाम लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत जल्दी में आपके लिए किया है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तो आप उसको वीडियो को देखेंगे और समझेंगे शायद, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच प्रेजेंट टाइम के लिए, और करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।